नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो पंकज से स्वागत करता हूं मेरे चैनल एस्ट्रो पंकज से जस्ट द बेस्ट। आज हम बात करते हैं बुध और राहु के कंजक्शन के बारे में। यदि बुध और राहु पंचम भाव में कंजक्ट हो या युति में हो तो इसके क्या प्रभाव होंगे आपके जीवन पे, आज इसका हम एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंचम भाव संतान से संबंधित होता है। यदि बुध और राहु पंचम भाव में युत हो तब जातक को संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि बुध और राहु की युति पंचम भाव में सर्जरी से संतान होने की संभावना बताती है। यदि पंचम भाव में स्थित बुध और राहु पीड़ित हो तब यह मिसकैरेज की ओर भी इशारा करता है। जातक के बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव हम सभी बताते हैं यदि बुध और राहु किसी भाव किसी भी तरह से कुंडली में पीड़ित हो तथा संतान कारक जुपिटर भी पीड़ित हो। यदि बुध और राहु पंचम भाव में शुभ स्थिति में हो तब जातक के बच्चे स्मार्ट और शार्प माइंडेड होते हैं। यह हो सकता है कि जातक और उनके बच्चों के मध्य संबंध में डिस्टर्बेंस हो या संबंध जो है स्मूथ ना हो। जातक को अपने बच्चों से सुख में कमी हो सकती है। बुध और राहु पंचम भाव में युक्त होते हैं तब जातक डिप्लोमेटिक नेचर का होता है। जातक अपनी वाणी से या अपने हाव भाव से या स्टाइल से लोगों को आकर्षित करता है। जातक की संवाद की क्षमता बहुत ही उत्तम दर्जे की होती है। पंचम भाव प्रेम संबंधों के लिए भी देखा जाता है। यदि बुध और राहु पंचम भाव में युत हो तब जातक प्लटी नेचर का हो सकता है। जातक में मोरालिटी की कमी हो सकती है। जातक का सेक्सुअल डिजायर हाई हो सकता है। जातक अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो सकता है। जातक के विभिन्न प्रकार के प्रेम संबंध हो सकते हैं। कभी कभी जातक को अपने प्रेम संबंधों में अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी उसके लव रिलेशनशिप फेल्योर होने के चांसेस भी बनते हैं। यदि बुध और राहु पंचम भाव में युति होते हैं तब हम यह कर सकते हैं कि जातक एक अच्छा पोएट होगा। जातक में नेचुरल टैलेंट होगा एक्टिंग का। जातक कॉमेडी अच्छा कर सकता है या एक अच्छा कॉमेडियन हो सकता है। इसके अलावा जातक लोगों को फंसाने में या अपना हाव भाव से लोगों को फंसाने में या अपने जाल में फंसाने में एक्सपर्ट हो सकता है। जातक इसका फायदा उठाकर लोगों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। पंचम भाव में स्थित बुध और राहु जातक में अच्छी क्रिएटिव स्किल्स देती है। जातक एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है। जातक एक अच्छा इलस्ट्रेटर बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है या उसकी कल्पना की शक्ति बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो कल्पनाशील व्यक्ति होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जातक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या अच्छी उन्नति या ग्रोथ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में देखने को मिल सकती है।
बुध और राहु के पंचम भाव में युति होने के कारण जातक स्पेकुलेटिव माइंड का होता है, मतलब जातक में नेचुरली तट्टेबाज जैसे गुण होते हैं। जातक का गेसिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जातक तीक्ष्ण बुद्धि का या शार्प माइंडेड होता है, इसलिए जातक स्टॉक मार्केट या विभिन्न प्रकार के सट्टा से रिलेटेड एक्टिविटीज में, जैसे गैम्बलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज में क्रिकेट बैटिंग हो गया या इस प्रकार की जो भी सट्टे से रिलेटेड चीज़ें हों वहाँ पर वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है, परंतु वह उस सट्टे से या उस गैम्बलिंग एक्टिविटी से धन अर्जित करेगा या नहीं करेगा वह डिपेंड करेगा जातक के कुंडली में राहु और बुध के युति पर। यदि युति अच्छा होगा तो वह पैसा कमाएगा, अच्छा अर्न करेगा, यदि युति अच्छा नहीं होगा, ये जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं होगा, तो जातक अपने एक्सपोलेटिव एक्टिविटीज के कारण अपने धन का नाश करेगा। लेकिन जातक एक एक्सपेकुलेटिव माइंड वाला या सट्टेबाज दिमाग वाला होगा। पंचम भाव में स्थित राहु और बुध की युति जातक को स्टडी से रिलेटेड समस्या देती है, क्योंकि जातक में जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो कम होता है। जातक चंचल मस्तिष्क का या चंचल दिमाग का व्यक्ति होता है, जिसके कारण ऐसा देखा गया है कि जातक के अर्ली एज में या अब तो मान के चलिए फिफ्थ क्लास और एट्थ क्लास की एज तक जो है उसकी स्टडी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि वो उसमें जो है कंसंट्रेशन का लेवल कम होता है, इसके कारण वो अपने स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अपने दिमाग को दौड़ाता रहता है और स्टडी को इग्नोर करता है। इस कारण अर्ली एज में जो है उनकी स्टडी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, परंतु जैसे जैसे समय ग्रोथ होता है और उनमें मैच्योरिटी बढ़ती है तो उनका झुकाव जो है कॉमर्शियल स्टडीज की ओर बढ़ता है, मतलब ऐसा कोई स्टडीज जहाँ से उनके इनकम स्टार्ट हो सके, तो उस प्रकार के स्टडीज को लेके वो फोकस होते हैं या अपने दिमाग को लगाना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं राहु मेटलिस्टिक एटीट्यूड का होता है और बुध हमारा मति है या सोचने का जो तरीका होता है उसको इंडिकेट करता है कुंडली में, तो यदि बुध और राहु की पंचम भाव युति हो तब जातक मनी माइंडेड हो सकता है, जातक लालची प्रवृत्ति का हो सकता है और उसका संसार के प्रति पूरी तरह से मेटलिस्टिक एटीट्यूड होता है, वह किसी भी कार्य में अपना प्रॉफिट और लॉस देखने की उनकी हैबिट होती है, अपने फायदे के कार्य को बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म करते हैं, मतलब वो मोरालिटी या सामाजिक नियम कानून कायदे को भी नहीं मानते हैं अपने प्रॉफिट के लिए या अपना लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए वो दूसरों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। बुध और राहु यदि पंचम भाव में युद्ध होता है तो जातक को तंत्र मंत्र और यंत्र जैसी चीजों में नैसर्गिक झुकाव होता है, जातक मंत्रों को सिद्ध करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जातक का उच्चारण की क्षमता जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है, खासकर मंत्रों के प्रोनाउंसिएशन की, जिसके कारण वह मंत्रों की एनर्जी को आसानी से साध लेते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जातक जो है मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता रखता है। परंतु यह ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा जिसकी राहु और बुध की युति होगी पंचम भाव में वो मंत्र साध लेगा या मंत्र सिद्धि कर लेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे जो डिपेंड करेंगे कुंडली टू कुंडली पे। यदि राहु और बुध पंचम भाव में युद्ध हो तब जातक को पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जातक डिप्लोमेटिक माइंड का होता है, तो इसके कारण जो है वह पॉलिटिक्स में जो है नेचुरल इंटरेस्ट रखता है, साथ ही जातक जो है अच्छा नेम और फेम भी अर्जित करता है, जातक के पास गुप्त विद्याएं हो सकती है, जातक जो है लोगों के हिडन सीक्रेट्स पता कर सकता है और लोगों की हिडन सीक्रेट्स जान सकता है, इसके द्वारा भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने पॉलिटिकल लाइफ में आगे
बढ़ सकता है। पंचम भाव में युक्त होने के कारण राहु और बुध जातक के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जातक बेवजह के उधेड़ बुन में फंसा रह सकता है। जातक बेवजह के अफवाह फैलाता है या बेवजह के बवाल क्रिएट करता है। इसके साथ ही जो है जातक को समझना आसान नहीं होता है वो क्या कर रहा है या उसका अगला स्टेप क्या होगा, इस प्रकार की चीजें जो है गेस करना आसान नहीं होता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं होता कि जातक किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कर लेगा या जो है बहुत ज्यादा बहुत बड़ा वो चाणक्य होगा या बहुत बड़ा तो उसका पॉलिटिक्स वाज होगा। इसका यह अर्थ होगा कि जातक इन सब गुणों के कारण खुद भी मानसिक तनाव का सामना करता रहेगा, क्योंकि उसमें जो है भी वजह की कंफ्यूजन वगैरह जो माइंड में चलते रहेंगे तो उनके कारण भी वो परेशान रहेगा। ऐसा है कि अगर हाँ यदि शुभ स्थिति में हो बुध और राहु और किसी अच्छे ग्रह जैसे गुरु से दृष्ट हो या गुरु की दृष्टि भी या बेनिफिट भी मिल रहा है तब वो एक अच्छा चाणक्य बन सकता है। राहु और बुध की युति पंचम भाव में स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है। जातक जो है मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जातक को पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती है। जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। जातक न्यूरोलॉजिकल इश्यूज या ब्रीथिंग डिसऑर्डर से सफर कर सकता है। साथ ही जातक को स्किन से संबंधित समस्याएं भी होने के चांसेस होते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियोस के साथ। धन्यवाद।